नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवर स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं कि कंट्री कैपिटल और करेंसी यानी कि राजधानी देश और मुद्रा का जो पहला वीडियो है वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कंट्री यानी कि देश, राजधानी और करेंसी के बारे में। ठीक है, जो देश कौन कौन से, देश की कौन कौन से राजधानी है, कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो देश हैं न्यूज़ में रहते हैं, कौन कौन से उनकी राजधानी है जो न्यूज़ में रहती हैं, कौन मुद्राएं हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं उन पर सवाल अक्सर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जाए कि आप सारे कंट्रीज़, ठीक है, आप सारे कंट्रीज़ के राजधानी करेंसी याद कर लें, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। आप लोग इसे याद तो कर सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा आपको याद करने में। वैसे भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा अगर आप सारे कंट्री के जो करेंसी हैं या कैपिटल हैं उनको याद करते हैं। बस आप लोगों को उन्हीं कैपिटल और करेंसीज़ को याद करने हैं, उन्हीं देश के कैपिटल और करेंसीज़ को याद करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, जैसे इसराइल जो है अभी न्यूज़ में था, ठीक है, USA न्यूज़ में रहता है, ईरान, सऊदी अरबिया, ये नेपाल आपका, मालदीव, अफ्रीका कंट्री के कुछ जो देश हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं कुछ न्यूज़ में रहते हैं। तो आप लोग अगर रोज़ न्यूज़ पर पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से कंट्री न्यूज़ में है, कौन कौन से राजधानी न्यूज़ में है, और कौन कौन सी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो न्यूज़ में है। ठीक है, अगर आप डेली कवर करते हैं न्यूज़पेपर को, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को, तो आप वहाँ से ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो आप उसे आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको सभी को याद नहीं करने हैं, मैं वैसे इस मैप की सहायता से इस वीडियो को बताने वाला हूँ। पिछले जो वीडियो आया था तो उसमें भी मैप की सहायता से बताया गया था कि कौन कौन से कंट्री के कौन सी राजधानी है, कौन सी मुद्राएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये पार्ट 2, कंट्री कैपिटल और करेंसी। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या कवर किया था ये पहले देख लेते हैं। तो हमने कवर किया था ये वाला पार्ट, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये आपका जो बीच वाला पार्ट है ये दिखाई दे रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसे हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका, ये वाला है आपका दक्षिणी अमेरिका, हम लोगों ने इसे भी कवर कर लिया, ग्रीनलैंड को भी कवर कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी कवर कर लिया था, एशिया को भी, ये जो एशिया आपका है हम लोगों ने इसे भी कवर कर लिया था। तो हम लोगों ने 50% से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनको कवर कर लिया था। ठीक है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण कंट्री भी हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी उनसे सवाल बनते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया, ये आपके पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, तो और जो कुछ एशिया के देश हैं, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, ईरान, ठीक है, उसके बाद तुर्की, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो यहाँ से सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, मुद्राएं सवाल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी कंट्री की कौन सी मुद्राएं हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी हमने पढ़ चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बचा खुचा जो आपका टॉपिक, जो बचा खुचा आपका कंट्री है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट, यूरोप वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये आपका जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है इसे पढ़ने वाले हैं, ये आपका ओशिनिया महाद्वीप है इसे पढ़ने वाले हैं। जो कुछ बच चुका है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, और मैप की सहायता से कवर करेंगे, इससे आप लोगों के लिए आसानी होगा, आप लोगों का जो कंसेप्ट है क्लियर होगा कि कौन सा कंट्री कहाँ पे। अगर आप मैप को तरीके से पढ़ लेते हैं, अगर आपको तरीके से मैप आता है कि कौन सी कंट्री किस जगह पे है, ठीक, कौन सी राजधानी किस जगह पे, तो आसानी से आप लोग उनकी मुद्राओं को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, और ये वाला पार्ट जो हाईलाइट किया गया है आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, बीच वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका मध्य अमेरिका, और इसकी इसके जो आपके बाएं साइड में है ये आपका है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक, ये आपका राइट साइड है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ये आपका,
तो इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका ये पार्ट जो हाईलाइट किया गया, इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी और कैरेबियन जो सी है ये जो हाईलाइट किया गया है ये द्वीप्स हैं, ठीक है, ये द्वीप हैं, ये आपके आइलैंड हैं। तो इन आइलैंड के समूह को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ मैं सरफ कर दे रहा हूँ कि जो ये आपके हाईलाइट किए गए हैं, ये जो हाईलाइट किया गया है द्वीप का समूह है इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज़ काफ़ी खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में खेलते हैं, काफ़ी खिलाड़ी यहाँ के धावक भी हैं जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ उसान बोल्ट की, उसैन बोल्ट की, तो ये भी आपके जमैका के हैं, ठीक, ये यहीं पड़ता है आपका, और जमैका के ही हैं क्रिस गेल जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ब्राओ हैं, तो काफ़ी जो खिलाड़ी हैं ये यहीं के पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडिया टीम है वेस्ट इंडीज़ गए खेलने के लिए, या इंडिया की जो टीम है उससे मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों का, तो ये द्वीपों का समूह है, जो वेस्ट इंडीज़ है ना ये द्वीपों का समूह है, यहाँ पर काफ़ी सारे द्वीप हैं, तो इन द्वीपों का समूह को हम लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज़, ठीक है, कोई एक कंट्री नहीं वेस्ट इंडीज़ है, हम लोग ये बोलेंगे कि कोई एक कंट्री वेस्ट इंडीज़ है, नहीं, वेस्ट इंडीज़ जो है ये द्वीपों का समूह है, मोर देन वन द्वीपों का समूह है आपका वेस्ट इंडीज़, और ये है पूरा आपका कैरेबियन सी। कैरेबियन सी और ये जो पार्ट है ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी है ये अटलांटिक सी है, ये प्रशांत महासागर है, ये आपका मध्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका है कैरेबियन सी, और ये अंदर जो हाईलाइट किया गया कंट्रीज द्वीप ये है आपका वेस्ट इंडीज़। ठीक, मैं इसे जूम करता हूँ, मैं इसे जूम करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज में आते हैं, ठीक है, तो ये उसी का ये जूम पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कैरेबियन है, कैरेबियन सी है, तो इस सी के अंदर कई सारे कंट्री आते हैं, ठीक है, इस सारे कंट्री के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज़ ठीक है, इसे हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। जैसे कि इसमें आपको सारे कंट्रीज़ के जो राजधानी है या करेंसी याद नहीं करने हैं, कुछ ही हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हवाना हो गया, सॉरी क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, ये आपका पोर्ट प्रिंस हो गया, प्योर्टो रिको हो गया, उसके बाद डोमिनिशियन या डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर, और उसके बाद आपका ये जो है एंटीगुआ हो गया, बारबोडा हो गया, डोमिनिका हो गया, ठीक है, तो ये कुछ कंट्री हैं द्वीप हैं जो आप लोगों को याद करने, सारे नहीं याद करने हैं, जो बस वही एग्ज़ाम में आते हैं, बस आपको ये बहामास है तो कुछ है तो आपको याद करने हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक खिलाड़ी, उसका नाम सुना होगा, उसका नाम क्या था, उसैन बोल्ट, तो उसैन बोल्ट कहाँ के हैं, उसैन बोल्ट जमैका के हैं, जो उसैन बोल्ट हैं ये जमैका के हैं, ये धावक हैं, ठीक, इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं, और जमैका के ही हैं क्रिस गेल, क्रिस गेल क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिस गेल ठीक है, तो इनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, और एक हम लोगों ने नाम सुना होगा बहामास, बहामास, तो बहामास एक टूरिज्म प्लेस है, ये टूरिज्म द्वीप है, यहाँ पर ये काफ़ी महंगा भी है, यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े जो पैसे वाले होते हैं यहाँ पर अपना हॉलीडे मनाने जाते हैं बहामास पे, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा बहामास, ठीक, चलिए देखते हैं कुछ जो इसमें से जो महत्वपूर्ण द्वीप है, महत्वपूर्ण कंट्री है, उनके राजधानी और करेंसी, बात करते हैं बारबाडोस की, बात करते हैं बारबाडोस की, यहाँ पे है आपका बारबाडोस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बारबाडोस है, तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो बारबाडोस है इसकी जो राजधानी है ये आपका ब्रिज टाउन, ठीक है, इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन और करेंसी है बारबाडोस डॉलर, ठीक है, अधिकांश जो इस द्वीप के कंट्री हैं उनका जो करेंसी है, मुद्रा है, ये अक्सर डॉलर ही मिलेगा आप लोगों को, तो यहाँ से कम ही चांस है कि आपका करेंसी पूछे, यहाँ से आपको राजधानी देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, यहाँ से राजधानी जो है कैपिटल है यह काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो द्वीपों के देश के जो करेंसी है सेम होती है, ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी जो राजधानी है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बारबाडोस की राजधानी है आपकी ब्रिजटाउन, और करेंसी यानी कि मुद्रा है बारबाडोस डॉलर। क्यूबा, क्यूबा इसकी राजधानी है हवाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी हवाना, करेंसी है क्यूबन पीसो। मेक्सिको का भी पीसो था, आप लोगों ने देखा था, मेक्सिको का भी पीसो था, अर्जेंटीना का भी पीसो था, चिली का भी पीसो था, ठीक है। तो इसी तरह क्यूबा, इसकी राजधानी हवाना है और करेंसी मुद्रा है पीसो, पीसो। और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेटस जीके में, क्यूबा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, हम लोग बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड हम लोग इसे बोलते हैं, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व का चीनी का कटोरा को बोलते हैं क्यूबा, ठीक है। जमैका की बात करते हैं, तो जमैका के ही हैं आपके उसेन बोल्ट धावक, और ये क्रिस गेल भी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल भी हैं यहीं की जमैका के। तो इसकी राजधानी है किंगस्टोन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंगस्टोन इसकी राजधानी है, और करेंसी यानी मुद्रा है आपका जमैकियन डॉलर, डॉलर यहाँ पर भी इसका करेंसी जो है डॉलर है। तो ये आपका जो राजधानी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसकी राजधानी याद कर सकते हैं। बहामास, बहामास जो एक टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट कंट्री है, और ये काफ़ी महंगा पड़ता है यहाँ पर घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं घूमने जाते हैं। तो इसकी राजधानी है आपका नसाओ, बहामास कैपिटल राजधानी है नसाओ, करेंसी है आपका डॉलर, ठीक है, इसका भी डॉलर है। आगे देखते हैं, ये आपका डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक, इसकी जो राजधानी है ये है कि सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो, और करेंसी है आपका पीसो, पीसो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग त्रिनिदाद एंड टोबागो, त्रिनिदाद एंड टोबागो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, त्रिनिदाद और टोबागो का जो राजधानी क्या है, ये है आपका पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, और करेंसी आपका है त्रिनाद, त्रिनिदाद और टोबागो डॉलर, डॉलर इसकी करेंसी। हैती की बात करते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी है पोर्ट प्रिंसे, पोर्ट प्रिंसे, और मुद्रा है आपका गॉर्डे, ये काफ़ी अलग है, तो आप इसकी मुद्रा भी याद कर सकते हैं, हैतियन गॉर्डे, हैतियन गॉर्डे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने देख लिया उसके बारे में, जो कैरिबियन सी के जो द्वीप है इसके बारे में हम लोग देख चुका है। अब हम देखेंगे ये आपका जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप, इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं, ये है आपका अफ्रीकी महाद्वीप, ठीक है, हम इसे अक्सर अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, हम इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका अफ्रीकन महाद्वीप है यह पड़ता है, ये जो अफ्रीकन महाद्वीप है और इसके बीच में ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, उसके ऊपर है आपका यूरोप, तो यूरोप जो है यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और यहीं पे है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है स्पेन को और मोरक्को को, और जोड़ता है ये आपका अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से, अटलांटिक महासागर को, भूमध्य सागर को ये जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपका इतना बड़ा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अक्सर आपकी जो करेंसी है ये नहीं पूछी जाती है, यहाँ से पूछी जाती है, तो ये है आपकी राजधानी, इसकी राजधानी, इन कंट्रीज़ की राजधानी काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है, इन कंट्रीज़ की राजधानी पूछी ही जाती है, करेंसी अक्सर नहीं पूछी जाती है लेकिन राजधानी यहाँ से पूछी जाती है। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग कंट्री से जूम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ये उत्तरी भाग को, जो उत्तरी पार्ट है इसका, इसे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये आपका नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, हम लोग इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यानी कि ये वाली पार्ट को, ठीक, ये वाली पार्ट को बात कर रहे हैं, ये है आपका नॉर्थ, नीचे है साउथ, ये है आपका पश्चिम, ये है पूरब, तो नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्थ अफ्रीका की, तो इसमें क्या कंट्री आते हैं, तो इसमें कुछ कंट्री आते हैं जैसे कि महत्वपूर्ण कंट्री आते हैं, जैसे कि मोरक्को हो गया,
उसके बाद अल्जीरिया हो गया, ट्यूनिस हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, चाड हो गया, नाइजर, माली, मोरिटानिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसे हम छोड़ देंगे। तो हम इसे कैसे याद करें, ये जो चार कंट्री हैं मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट को कैसे याद करें? तो हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, उसका नाम है मेल। मेल एम से क्या होगा? मोरक्को। ए से क्या होगा? अल्जीरिया। एल से क्या होगा? लीबिया। ई से होगा इजिप्ट। मेल यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये महत्वपूर्ण कंट्री हैं। नीचे भी हैं मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान। अगर सवाल ये उठे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ये है आपका अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी देश कौन सी है? अल्जीरिया। इससे पहले सूडान था, लेकिन सूडान को दो भागों में बंटवारा कर दिया गया, सूडान और दक्षिण सूडान में। तो इसके बाद सबसे बड़ा जो आपका इस समय देश है अफ्रीका महाद्वीप में, वो है आपका अल्जीरिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो मोरक्को की बात करते हैं। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आता है। मोरक्को की राजधानी रबात है और करेंसी आपका है मोरक्कन दिरहम। दिरहम, ठीक है। और एक और बात है कि ये जो उत्तरी भाग है अफ्रीका महाद्वीप की, ये जो उत्तरी भाग है उत्तरी महाद्वीप की, यहाँ पर अक्सर आपको जो मुस्लिम देशों का प्रभाव दिखाई देगा। ये काफ़ी बड़े बड़े जो देश हैं ये मुस्लिम कंट्री हैं, और यहाँ पे जो करेंसी है जैसे कि दिनार है, दिरहम है, रियाल है, ये सब यहाँ की करेंसी हैं। तो यहाँ के अक्सर अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनकी अक्सर राजधानी ही पूछी जाती है। बात करते हैं अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स और मुद्रा अल्जीरियन दिनार। लीबिया की बात करते हैं, तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली, ये इम्पोर्टेंट है, मुद्रा है आपका लीबियन दिनार, लीबियन दिनार। बात करते हैं इजिप्ट की, इजिप्ट की राजधानी है कायरो और मुद्रा है आपका पाउंड, पाउंड। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी है कायरो और करेंसी मुद्रा है पाउंड, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, आसान है, मुद्रा है आपका दिनार। बात करते हैं मोरिटानिया की, मोरिटानिया की कैपिटल है नुआकचोट, नुआकचोट बोलते हैं, नुआकचोट, और इसकी जो राजधानी है ये है आपका उगिया, उगिया। ठीक है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इतना टफ नहीं पूछेगा, लेकिन ट्यूनिशिया, इजिप्ट और मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं माली, माली की राजधानी है बमाको और करेंसी है आपका वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, तो आप इसे फ्रैंक के नाम से भी याद कर सकते हैं, वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक, और चाड, चाड की राजधानी क्या है? चाड की जो राजधानी है ये है आपका जमेना, जमेना, और मुद्रा है आपका सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ये वाला जो उत्तरी भाग था माली, चाड, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पार्ट जो पश्चिमी द्वीप हैं, बहुत सारे कंट्री यहाँ पर, छोटे छोटे कंट्री हैं, यहाँ सवाल आते हैं, तो ये आपका पश्चिमी द्वीप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कई सारे देश हैं जिसे हम लोग बोलते हैं साओ टोम एंड प्रिंसिपे, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, इसमें कई सारे देश आते हैं जैसे घाना हो गया, टोगो हो गया, बेनिन हो गया, कैमरॉन हो गया, इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, गैबोन हो गया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वेटोरियल गिनिया, यहाँ से आपका इक्वेटोरियल जो रेखा है, भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, यहीं से भूमध्य रेखा पास होती है, इसलिए इसे बोला जाता है इक्वाटोरियल गिनिया। ठीक है, तो ये है आपके कुछ कंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं इक्वाटोरियल गिनिया की। इसकी राजधानी है मलाबो, इसकी राजधानी है मलाबो, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। आप करेंसी को छोड़ सकते हैं, सिर्फ राजधानी याद कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी अफ्रीका महाद्वीप के देशों से पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, जो कंट्री जो हैं काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं वहाँ सवाल आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग साओ टोम एंड प्रिंसिप, इसकी राजधानी है साओ टोम, आसान है, करेंसी है डोबरा, आप इसे याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि साओ टोम एंड प्रिंसिप की राजधानी है साओ टोम, मुद्रा है डोबरा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चार देश,
ठीक है, ये चार देश हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक, आउटलाइन मैप है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये अफ्रीका का मैप है, ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब सवाल ये उठता है, सवाल आता भी है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, कितने देश आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चार। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं, और कौन कौन से देश हैं, ये हैं आपका देश सोमालिया, उसके बाद इथोपिया, जिबूटी, और एक है इरिट्रिया, ये छोटा देश है आपका इरिट्रिया। ये चार देश हैं जो आपके, ये चार देश आते हैं, ये आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये है आपका इरिट्रिया, यह है आपका छोटा सा देश जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। इन चारों के नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जो जहाज़ हैं, जो व्यापारी वाले जहाज़ होते जाती हैं रेड सी में, रेड सी में एंट्री करती हैं, गल्फ ऑफ एडन से एंट्री करती हैं, आप बाब अल मैदान है यहाँ से एंट्री करती हैं, रेड सी में जाती हैं, और रेड सी में एंट्री करने के बाद आगे आपको मिलेगा स्वेज नहर, उसे पार करके भूमध्य सागर में चले जाती हैं, ठीक है, और अपना व्यापार पूरा करती हैं, भूमध्य सागर होते हुए अटलांटिक महासागर में चली जाती हैं, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, तो ठीक है। और इसी पर जो ये मोड़ है जहाँ से एंट्री करते थे, बोलते हैं बॉब अल मैदन, तो इसे हम बोलते हैं जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया, चार कंट्री हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सवाल ये कंप्लीट हुआ, अब हम लोग इसके देखते हैं राजधानी और कैपिटल। बात करते हैं जिबूती की, ठीक है, जिबूती, तो ये है आपका जिबूती, यहाँ पे है आपका जिबूती, में से थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, तो ये है आपका जिबूती, ये है आपका छोटा सा देश जिबूती। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि यहाँ पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना रहा, जिबूती पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना रहा, इस गल्फ ऑफ एडन पे और बाब अल मंदेब या रेड सी पर अपना प्रभाव जताने के लिए, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर ये यहाँ पर चाइना का मिलिट्री बेस बन जाता है, तो जितनी भी जहाज़ यहाँ पर जाएंगी, हो सकता है भविष्य में ये रोक सके। तो ये है जिबूती, इसकी राजधानी देखते हैं हम लोग, इसकी राजधानी हम लोग देख लेते हैं। तो जिबूती की राजधानी क्या है, जिबूती सिटी, काफ़ी आसान हो गया, उसी के नाम पर रख दिया गया। करेंसी क्या है, फ्रैंक, फ्रैंक, इन चारों के आपको करेंसी याद होनी चाहिए, करेंसी और राजधानी याद होनी चाहिए। तो जिबूती की करेंसी क्या है, जिबूती फ्रैंक। इरिट्रिया की राजधानी क्या है, असमारा, असमारा, और मुद्रा है आपका नकफा, नकफा। उसके बाद इथोपिया। अगर एक सवाल और बनता है कि कौन सा ऐसा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है और एक लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, किस कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो वो देश कौन सा, वो देश है आपका इथोपिया। ये चारों ओर जमीन से घुरा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पहला लैंड लॉक्ड कंट्री है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। तो इथोपिया की राजधानी के अदिस अबाबा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी करेंसी है बिर। सोमालिया की बात करते हैं, आप लोगों ने सोमालियान जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, उनका नाम सुना होगा, तो ये सोमालिया के ही जो और डाकू पाए जाते हैं ज्यादा पे, तो ये सोमालिया में ही जो समुद्री डाकू हैं काफ़ी पाए जाते हैं, तो इसकी जो राजधानी है ये है मोगादिशु, मोगादिशु, और इसकी करेंसी है आपका सिलिंग, सिलिंग इसकी करेंसी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग, यानी कि आप कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग के, ठीक, जो पश्चिमी भाग के कुछ देश हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि सेनेगल हो गया, गिनिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, घाना हो गया, बुर्किना फासो हो गया, उसके बाद बेनिन हो गया, नाइजीरिया हो गया, टोगो हो गया, ये जो कंट्री आते हैं ये छोटे छोटे कंट्री हैं, और ये पश्चिमी साइड हैं अफ्रीका महाद्वीप के, यहाँ से भी सवाल आते हैं, तो इनकी राजधानी आप लोग याद कर लेंगे तो काफ़ी है, सफिशियंट है। देखते हैं इनकी राजधानी और करेंसी, तो सेनेगल की बात करते हैं, सेनेगल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी है डकार, सेनेगल की राजधानी डकार, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सी एफ ए फ्रैंक। जैम्बिया,
या गैम्बिया की राजधानी है बंजुल या बांजुल या बंजुल, और करेंसी मुद्रा है आपका दलासी। दलासी गैम्बिया की राजधानी है आपका बंजुल और मुद्रा है आपका दलासी। सियरा लियोन की बात करते हैं, सियरा लियोन की जो राजधानी है फ्री टाउन और मुद्रा है आपका लियोन। सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन और करेंसी है लियोन। बात करते हैं गिनिया बिसाओ की, गिना बिसाओ इसकी राजधानी है बिसाओ और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक है, तो आप लोग इसके जो कैपिटल हैं इसे ही याद कर लें। ठीक है, यहाँ सवाल आते हैं। बात करते हैं टोगो की, टोगो एक छोटा कंट्री, इसकी राजधानी है लोम, लोमे या लोम बोल सकते हैं लोमे। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। घाना की राजधानी है अकरा, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी मुद्रा है आपका केडी। आइवरी कोस्ट की राजधानी है आपका अबिदजान, अबिदजान और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक सीएफए फ्रैंक। अब बात करते हैं गिनिया की, इसकी राजधानी है कोनाकरी, ये भी इम्पोर्टेंट है कोनाकरी, ये भी इम्पोर्टेंट है और करेंसी है आपका गिनियन फ्रैंक, गिनियन फ्रैंक। ठीक है, बात करते हैं बेनिन की, छोटे छोटे कंट्री हैं तो इनकी आप लोग राजधानी याद कर सकते हैं। बात करते हैं बेनिन की, तो बेनिन की जो राजधानी है ये आपका पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो है और करेंसी है आपका वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। बुर्किना फासो की बात करते हैं, एग्जाम में आता है, कैपिटल है आपका उगाडोगू, उगाडोगू उगाडोगू इसकी राजधानी है बुर्किना फासो की और करेंसी आपकी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। बात करते हैं लाइबेरिया की, इसकी राजधानी है मोनरोविया, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो मोनरोविया, मोनरोविया और इसकी जो करेंसी है ये है आपका लाइबेरियन डॉलर। लाइबेरिया की राजधानी है आपका मोनरोविया। बात करते हैं नाइजीरिया की, नाइजीरिया की बात करते हैं। अगर सवाल ये पूछे कि सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है अफ्रीका महाद्वीप की, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो ये है आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। लेकिन अगर सवाल ये आए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है आपका अल्जीरिया। ठीक, तो ये है आपका नाइजीरिया, इसकी कैपिटल है अबूजा। एग्जाम अबूजा सीमेंट के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा अबूजा, और करेंसी है आपका नायरा, नायरा। अब हम लोग बात करते हैं बीच वाले जो अफ्रीका है, बीच वाला जो अफ्रीका के देश है उसकी बात करते, जैसे कि बात करते हैं हम लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, सूडान, साउथ सूडान, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये आपका सेंट्रल अफ्रीका है तो इसकी हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं इसकी राजधानी, बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अब सवाल उठता कहाँ पे है, तो ये है आपका कॉन्गो। अगर सवाल है पूछे कॉन्गो या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों एक ही होता है कॉन्गो। ठीक, ये है आपका कॉन्गो। ठीक है ना, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है आपका ब्राजीविले, ब्राजीविले इसकी राजधानी है ब्राजीविले और मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और केवल ये पूछे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अगर केवल ये पूछे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये कॉन्गो की। अगर सवाल में पूछे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो हम लोग इस वाले कॉन्गो की बात कर, ठीक है, तो इसकी राजधानी है किनशासा, किनशासा और इसकी करेंसी है फ्रैंक, आप बोल सकते हैं फ्रैंक। गैबोन की बात करते हैं, गैबोन की कैपिटल है लिब्रेविले, लिब्रेविले और इसकी जो आपकी करेंसी मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक, बात करते हैं युगांडा, अब युगांडा है कहाँ इसके बारे में देख लेते हैं। ये छोटा कंट्री, ये आपका युगांडा है, ये है आपका केन्या, ये है आपका तंजानिया। युगांडा केन्या तंजानिया के बॉर्डर पे है, ये आपका एक सागर जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसे क्या नाम है, यहीं से आपका जो नील सागर का एक पार्ट निकलता है। तो युगांडा केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पे कौन सा सागर है जो लैंड लॉक सागर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा सागर है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा।
तो बात करते हैं युगांडा की, तो ये है युगांडा। तो युगांडा की जो आपकी राजधानी है ये आपका है कंपाला। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है कि कंपाला किस देश की राजधानी है, युगांडा की करेंसी क्या है, शिलिंग। युगांडा की करेंसी शिलिंग। बात करते हैं रुवांडा की, रवांडा की कैपिटल राजधानी है किगाली, रवांडा किगाली, और करेंसी आपका रवांडा फ्रैंक। बुरुंडी की बात करते हैं, इसकी राजधानी है गितेगा, ये इम्पोर्टेंट है गितेगा, और करेंसी की बात करते हैं ब्रुंडियन फ्रैंक। और बात करते हैं केन्या की राजधानी नैरोबी, और नैरोबी की जो मुद्रा है ये आपका शिलिंग है, ये महत्वपूर्ण है शिलिंग है। बात करते हैं तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, इसकी राजधानी डोडोमा है और इसकी भी करेंसी शिलिंग है। जैम्बिया की बात करते हैं, लुसाका इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी है क्वाचा या क्वाचा। अंगोला की राजधानी है लौंडा लुआंडा, अंगोला की राजधानी है लुआंडा और करेंसी है क्वांजा। ठीक है, करेंसी मुद्रा है क्वांजा। बात करते हैं मालावी की, मालावी की जो राजधानी है ये आपका लाइंग्वे लाइंग्वे है और इसकी मुद्रा है क्वाचा, मुद्रा है क्वाचा। अब बात करते हैं हम लोगों दक्षिणी अफ्रीका की, यानी कि साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, कौन कौन कंट्री आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है अंगोलिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, बोत्सवाना, नाम्बिया, उसके बाद स्वाजीलैंड, लेसेथो, साउथ अफ्रीका, जो नामीबिया है यहीं पड़ता है, नामीबियन डेजर्ट पड़ता है। सवाल आता है कि नामीबियन डेजर्ट कहाँ पे है, किस अफ्रीका महाद्वीप किस साइड है। तो अफ्रीका महाद्वीप के ये साउथ के जो पार्ट है उसके पश्चिम साइड है, नामीबिया में पड़ता है नामीब डेजर्ट, और बोत्सवाना में पड़ता है कलहारी डेजर्ट। ये भी आता है कि कलहारी डेजर्ट किस कंट्री में पाया जाता है, तो ये है आपका बोत्सवाना, कलहारी डेजर्ट पाया जाता है बोत्सवाना में। और एक और सवाल आता है कि जो आपका ग्रेट डाइक कहाँ पे, ग्रेट डाइक ये है, ग्रेट डाइक, ग्रेट डाइक डिवाइड करता है ये जिम्बाब्वे को, ठीक है। और क्रूगर नेशनल पार्क, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्रूगर नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क ये काफ़ी एग्जाम में आता है, किस कॉन्टिनेंट में है क्रूगर नेशनल पार्क, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो क्रूगर जो आपका ये नेशनल पार्क है ये काफ़ी महत्वपूर्ण तो एग्जाम में आता है। तो क्रूगर नेशनल पार्क किस कंट्री में आता है, ये आता है आपका मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक में ही आता है क्रूगर नेशनल पार्क। स्वाजीलैंड की आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका नाम पहले कुछ और था, स्वाजीलैंड इसका नाम स्वाजीलैंड था लेकिन अब हो गया इस्वातनी, इस्वातनी इसका नाम हो गया है अब स्वाजीलैंड का, पहले नाम था स्वाजीलैंड अब हो गया है इस्वातनी, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं इन देशों के कंट्रीज, इन देशों के कैपिटल और करेंसी। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इसकी तीन राजधानी है, ठीक। पहला एग्जीक्यूटिव राजधानी कहाँ पे है, प्रिटोरिया। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी अधिकार राजधानी कहाँ पे है, प्रिटोरिया। बात करते हैं न्यायिक राजधानी, ब्लोमफंटेन, ब्लोमफंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है, और इसकी जो क्या बोलते हैं इसकी जो विधायिका है उसकी राजधानी है आपका केप टाउन, केप टाउन। जो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायकी राजधानी है ये आपका केप टाउन, और जुडिशियल है आपका ब्लोमफंटेन, और कार्यकारी है प्रिटोरिया। कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है प्रिटोरिया, करेंसी है रैंड, रैंड रैंड काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, रैंड है, यानी कि रैंड किस कंट्री की करेंसी है, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका। बात करते हैं मोजाम्बिक, जहाँ पाया जाता है क्रूगर नेशनल पार्क, तो इसकी राजधानी है मापूतो, एग्जाम में आता है मापूतो, और मुद्रा है आपका मेटिकल, मेटिकल। जिम्बाब्वे की बात करते हैं, इसकी राजधानी हरारे है और इसकी करेंसी है यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। बोत्सवाना की बात करते हैं, इसकी बोत्सवाना की आपकी जो राजधानी ये है गैबरोन, गैबोरोन, गैबरोन। अब हम लोग बात करते हैं ओसेनिया, अब हम लोग बात करते हैं ओसेनिया, ओसेनिया, ओसेनिया की बात करते हैं, ये आपका है ओसेनिया, ये जो पार्ट है आपका पूरा ये है आपका ओसेनिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा है आपका ओसेनिया। इसके चार भाग होते हैं, जो ओसेनिया है इसके चार भाग हैं, पहले है माइक्रोनेशिया, दूसरा है पोलिनेशिया, तीसरा है मेलानेशिया, और चौथा ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन कोई भी कंट्री महाद्वीप कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना।
तो ये अगर सारे को हम लोग मिक्स कर दें, यानी कि माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, सबको हम लोग ऐड कर दें, तो ये आपका बन जाएगा ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप, तो ओशिनिया महाद्वीप में क्या क्या आता है? माइक्रोनेशिया आता है, मेलानेशिया आता है, पोलिनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके, और न्यूजीलैंड भी आता है, तो ये आपके ओशिनिया में आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री पाए जाते हैं, अक्सर जो कंट्री यहाँ पे यूएसए के कुछ बेस हैं, यूएसए के भाग हैं, जैसे हवाई हो गया, यूएसए का मिलिट्री बेस है, उसके बाद मार्शल आइलैंड, किरीबाती हो गया, उसके बाद नौरा हो गया, कुछ और हैं जो फ्रेंच का, पोलिनेशिया, कुक आइलैंड हो गया, या आपका न्यूजीलैंड है, ईस्टर आइलैंड है, मेलानिया में बात करते हैं, वनातू है, सोलोमन आइलैंड है, पपुआ न्यू गिनिया है। तो ये सारे कंट्रीज, छोटे छोटे द्वीप हैं, कंट्री हैं, इनके राजधानी आप लोग देख लेते हैं। इसकी वैसे कैपिटल, इसकी जो क्या बोलते हैं, करेंसी नहीं पूछी जाती ज़्यादा, इसकी जो कैपिटल है वही काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे हम बात करते हैं मार्शल आइलैंड की, तो बात करते हैं मार्शल आइलैंड की, तो मार्शल आइलैंड की जो राजधानी ये है मजूरो, मजूरो, मार्शल आइलैंड की राजधानी है मजूरो। किरीबाती, किरीबाती की राजधानी है आपका तरावा, किरीबाती का राजधानी है तरावा। फिजी की राजधानी है सुवा, फिजी की राजधानी है सुवा, और पलाऊ की राजधानी है गेरुल मड, गेरुल मड, ठीक है, पलाऊ की राजधानी है गेरुल मड, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ कंट्री। एक बात का, तो गुआम का नाम सुना होगा आप, गुआम ये यूएसए का भाग है, यूएसए की यहाँ पर ज़मीन है, और गुआम पे ही यूएसए का क्या है, मिलिट्री बेस है, ठीक है, मिलिट्री बेस है। अब हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग देखते हैं तुवालु का, तुवालु की बात करते हैं, इसकी राजधानी है फुनाफुती, तुवाली की राजधानी है फुनाफुती, और वानुअतु की राजधानी है आपका पोर्ट विला, वानुअतु का राजधानी है आपका पोर्ट विला, और पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया की राजधानी है पोर्ट मोरस्बी, पोर्ट मोरस्बी। तुवालु की राजधानी है फुनाफुती, कैपिटल है पोर्ट विला, पपुआ न्यू गिनिया पोर्ट मोरस्बी, इन सब के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले बात करते हैं मार्शल आइलैंड की, तो मार्शल आइलैंड कहाँ पे है? मार्शल आइलैंड यहाँ पे है, ये है आपका मार्शल आइलैंड, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं किरीबाती की, तो ये है आपका किरीबाती, ये आप किरीबाती। बात करते हैं हम लोग फिजी की, तो फिजी आपका इधर कहीं पड़ेगा, ये है आपका फिजी, ये सब यूएसए का पार्ट है, यूएसए का द्वीप है। और बात करते हैं पलाऊ की, तो पलाऊ भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, तुवालु हो गया, ये आपका टोलेलुगु हो गया, उसके बाद वानातू हो गया, ठीक। अब पलाऊ के, ये पपुआ न्यू गिनिया हो गया, ये पलाऊ हो गया, वेस्ट पपुआ न्यू गिनिया हो गया, ये सारे कंट्री छोटे छोटे हैं, इनका राजधानी आप लोग याद कर लीजिए सफिशियंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग यूरोप महाद्वीप की, ठीक, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। हम लोगों ने ये जो रसिया है इसको देख चुके, क्योंकि रसिया को दो भागों में डिवाइड करता है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत दो भागों में डिवाइड करता है। ये जो पार्ट है यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये प्रभावित हैं ये यूरोप महाद्वीप से, और इसके जो राइट साइड में हैं ये प्रभावित हैं एशिया महाद्वीप में, और यहाँ पे काफ़ी सारे जनसंख्या पाई जाती हैं रसिया की, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुका है। अब हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, ये सारे आपके यूरोप महाद्वीप कंट्री हैं। इससे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय यूनियन की हम लोग बात करेंगे। तो यूरोपियन जो जो ये हाईलाइट किए गए हैं ना, ये जो नीले कलर से हाईलाइट किए गए हैं, ये आपके हैं यूरोपीय यूनियन के देश, यूरोपियन यूनियन के आपके देश हैं, किसके देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं। कौन कौन से हैं? स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये आपका क्या है, नॉर्वे है। ये आपका जो नॉर्वे है यह यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक और देश है, ये भी आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये भी आपका जो है यह यूरोपीय यूनियन का भाग नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्वे भी नहीं है और स्विट्जरलैंड भी जो ये आपका यूरोपीय यूनियन इसका भाग नहीं है, ठीक है। ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय यूनियन है, इसमें कई सारे कंट्री पाए जाते हैं। तो इसमें कंट्री स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, बेल्जियम है, यूके है, ग्रेट ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, स्पेन, फ्रांस, ये
ये सारे जो कंट्री है आपके यूरोपीय यूनियन में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये है इस देश की बात करते हैं, इस देश की, ये है आपका बाल्टिक सी, इसे हम लोग बोलते हैं बाल्टिक सी। मैप में देखेंगे, मैप होगा आपके पास तो चेक कर सकते हैं। ये आपका बाल्टिक सी है और ये है आपका बाल्टिक कंट्री। सवाल आता है कि बाल्टिक कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, नीचे से ऊपर लगाइए। तो सबसे पहले आता है बाल्टिक सी में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीन देश हैं टॉप टू बॉटम, जिसे हम लोग बोलते हैं बाल्टिक, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक कंट्री। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बात करते हैं बाल्कन कंट्री के, ये वाला जो भाग है पेनिनसुला है, बाल्कन पेनिनसुला या प्रायद्वीप है, इसे हम लोग बोलते हैं बाल्कन। एक मिनट, इसमें कई सारे कंट्री आते हैं, जैसे कि हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया, ग्रीस हो गया, और सारे भी कंट्री हैं जिसे टोटल 11 कंट्रीज में आते हैं। टोटल 11 कंट्री आते हैं किसमें, बाल्कन कंट्री में। और ये है आपका बाल्कन कंट्री, ये आपका बाल्कन पेनिनसुला, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तो बोलते हैं हम लोग पेनिनसुला एंड प्रायद्वीप, तो इसका नाम है बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। और ये जो कंट्री है, अगर हम इसको मिक्स करते हैं, इस तीन कंट्री को मिक्स करते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसमें आते हैं डेनमार्क, डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग इसी को जूम करते हैं, ठीक है। किसको जूम करते हैं हम लोग, नॉर्डिक, ये जो नॉर्डिक सी है, ये जो है नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन कौन आते हैं, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है, ठीक है। ये सारे कंट्री नॉर्डिक कंट्री में आते हैं। ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में तीन, बाल्टिक में तीन कंट्री आते हैं। कौन कौन आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, तीन कंट्री आते हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ये है नॉर्डिक सी है, ये अटलांटिक सी है, और इसको यहाँ पर जो अलग करता है चैनल से, बोलते हैं इंग्लिश चैनल, यूके को अलग करता है फ्रांस, ये आपका इंग्लिश चैनल, क्लियर। ये आपका आइसलैंड है, ठीक है। इतने आप लोग समझ गए होंगे मैप से, आधा से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क हो गया, ये आपका गल्फ ऑफ बोथेनिया हो गया, और बाल्टिक सी हो गया, तीन कंट्री यहाँ पे हो गए, तो ये सारे हैं। यहाँ पर फिनलैंड है कि नहीं, है ना। अब देखते हैं इनकी राजधानी, बात करते हैं इनके कैपिटल और राजधानी की, तो इसकी हम लोग बात करते हैं नॉर्वे की, ये महत्वपूर्ण है, नॉर्वे की बात करते हैं, जो काफ़ी जगह जो रैंकिंग निकाली जाती है, जैसे कि अगर HDI की बात करें, प्रेस की बात करें, तो यहाँ पर टॉप करता है, ठीक है। तो नॉर्वे की बात करें, इसकी राजधानी ओस्लो है, इसकी राजधानी ओस्लो है और करेंसी है क्रोन। स्वीडन की बात करें, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इम्पोर्टेंट है, करेंसी है क्रोन। और डेनमार्क की बात करें, तो कोपहेगन इसकी राजधानी है और करेंसी है क्रोन। तो तीनों जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हैं, इनकी जो करेंसी है सेम है, क्रोन है, और जो राजधानी है अलग अलग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो करेंसी है यूरो है, और राजधानी है हेलसिंकी, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। आइसलैंड की बात करते हैं, आइसलैंड की राजधानी है रेकजविक, रेकजविक इसकी राजधानी है, करेंसी है क्रोन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आ सकता एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। इस यहाँ पर फिनलैंड है महत्वपूर्ण, एग्ज़ाम में आता है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया यहाँ का इसका ये वाला भाव, नॉर्डिक जो कंट्री है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका, ठीक, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुका, अब हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका, अब लोग हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी में तीन कंट्री आते हैं, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, इन तीन कंट्री को देख लेते हैं हम लोग हैं। इसको मैं जूम कर दिया, ये आपका बाल्टिक सी है, देख सकते हैं, ये बाल्टिक कंट्री है, तीन कंट्री आते हैं एग्ज़ाम में आता है, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, इनकी कंट्री और कैपिटल देख लेते हैं। एस्टोनिया की बात करते हैं, तो राजधानी है आपका टलिन, टलिन। करेंसी की बात करते हैं यूरो, सभी के यूरो हैं, आप देख सकते हैं, जो यानी कि जो बाल्टिक कंट्री है सबके करेंसी जो यूरो हैं। लेटविया की बात करते हैं, इसकी राजधानी है रीगा, करेंसी है यूरो।
लिथुएनिया की बात करते हैं, इसकी राजधानी है विल्नियुस, विल्नियुस इसकी राजधानी है और करेंसी है यूरो। देख सकते हैं आपकी बाल्टिक जो जो हमारा जो बाल्टिक कंट्री है, तीन कंट्री सभी की जो करेंसी ये क्या है, यूरो है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने इस पार्ट को देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, बालकन पेनिनसुला की। जो ये बालकन पेनिनसुला है, बालकन पेनिनसुला है प्रायद्वीप, इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि इसको बात कर, जूम कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर मलोड़ा है, रोमानिया है, बुल्गारिया, मैसेडोनिया जहाँ पर जो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, अल्बेनिया, ग्रीस है, एजियन सी यहाँ पे है, ब्लैक सी है, आप देख सकते हैं, तुर्की है, एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी है, मेडिटेरियन सी है, ये सब भाग इसके हैं। क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, बोस्निया है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, ये सारे कंट्री छोटे छोटे हैं। रोमानिया है, आप इसे याद कर सकते हैं, ब्लैक सी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं इनके हम लोग कैपिटल और करेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, उसके बाद मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ये सारे जो कंट्री हैं ये आते हैं आपका बालकन पेनिनसुला यानी कि बालकन कंट्री। अब देखते हैं अल्बेनिया की बात करते हैं, इसकी राजधानी है तिराना, करेंसी है लेक, बोस्निया एंड हर्जेगोविना की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी राजधानी है सराजेवो, करेंसी है मार्क, करेंसी है मार्क। बुल्गारिया की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो सोफिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, और करेंसी है लेव, करेंसी है लेव। बात करते हैं क्रोएशिया की, जो पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था, हार चुका था लेकिन ये फाइनल में गया था, तो इसकी क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब, इम्पोर्टेंट है राजधानी है, करेंसी है कूना। कोसोवो इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं आप इसे। मोल्डोवा भी इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्रोएशिया को इसमें आप याद कर सकते हैं। रोमानिया, ये महत्वपूर्ण है, इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट, रोमानिया का बुचारेस्ट, और करेंसी है, मुद्रा है लेवू। नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करते हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया में जन्म हुआ था किसकी, मदर टेरेसा जी का, मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में। कैपिटल है स्कोपजे, इम्पोर्टेंट है आप इसे, अगर स्कोपजे, और करेंसी है दिनार, दिनार इसकी करेंसी है, दिनार नहीं दिनार है। बात करते हैं मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या होगी, पोडगोरिका, पोडगोरिका इसकी क्या है, राजधानी है, और करेंसी है यूरो, ठीक है, करेंसी यूरो। इनके आप राजधानी याद कर लीजिए, करेंसी उतना नहीं पूछी जाती है। हम लोगों ने क्या कवर कर लिया यूरोप महाद्वीप में, हम लोगों ने इसे कवर कर लिया, आइसलैंड कवर कर लिया, उसके बाद ये आपका बाल्टिक कंट्री इसे कवर कर लिया, ये आपका जो कंट्री है क्या बोलते हैं इसको, बालकन पेनिनसुला कंट्री, से हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट, ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट देखते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल की कंट्री क्या है, कैपिटल क्या है, लिस्बन, इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाल के ही खिलाड़ी हैं आपके कौन, पुर्तगाल के ही खिलाड़ी हैं आपके रोनाल्डो, रोनाल्डो, ठीक है। करेंसी है यूरो। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आसान है सब जानते हैं, करेंसी यूरो है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीन कंट्री है, यहाँ सवाल अभी आते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री है और ये सवाल यहाँ से आते हैं। स्पेन की जो कैपिटल राजधानी है मैड्रिड है, करेंसी यूरो, ठीक है। आगे देखते हैं जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी का ही था हिटलर, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, आसान है, करेंसी यूरो। नीदरलैंड एम्स्टर्डम राजधानी इसकी है और करेंसी मुद्रा यूरो। लग्जमबर्ग की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है खुद लग्जमबर्ग सिटी और इसकी करेंसी मुद्रा है यूरो। तो आप देख सकते हैं कि जितने सारे महत्वपूर्ण कंट्री हैं इनके सारे जो करेंसी यूरो है, ठीक है, यूरो, लेकिन करेंसी यहाँ से नहीं पूछेगी, ठीक है, पूछेगा तो इसकी राजधानी, पूछेगा तो इसकी राजधानी, क्योंकि करेंसी सब सबकी सेम है तो यहाँ से राजधानी पूछेगा। बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम का भी जो करेंसी यूरो है, देख सकते हैं आप लोग, बेल्जियम का भी जो करेंसी यूरो है और इसकी जो राजधानी है ये है आपका ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में ही हेडक्वार्टर है किसका, नाटो का, नाटो में 229 कंट्री लगभग हैं,
तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल 29 कंट्री आते हैं। इसमें इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसकी हेडक्वार्टर है आपका ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी में, करेंसी है यूरो। और क्रेस की बात करते हैं, इसकी राजधानी है प्रागवे और मुद्रा है आपका कोरोना, कोरोना नहीं कोरोना, ठीक है। पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड की क्या बोलते हैं, राजधानी है आपका वार्सोवा। ये आसान है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। पोलैंड की राजधानी वार्सोवा है, करेंसी है जलोटी, जलोटी क्या है, जलोटी इसकी मुद्रा है, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ कुछ और कंट्री है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। हंगरी की बात करते हैं, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि बुडापेस्ट में शूटिंग होती है बॉलीवुड पिक्चरों की, नाम सुना होगा बुडापेस्ट, और ये टूरिस्ट एक हब भी है, लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, करेंसी है फोरिंट, फोरिंट क्या है, फो रेंट इसकी क्या है, करेंसी है। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वियना। वियना में बहुत सारे इसके हेडक्वार्टर है, बहुत सारे जो संस्थाएं इसकी हेडक्वार्टर हैं, जैसे ओपेक, ओपेक की राजधानी कहाँ पे है, ओपेक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। और इसकी करेंसी क्या, यूरो है, इसकी भी करेंसी क्या है, यूरो है। बात करते हैं इटली की, इटली में, इटली राजधानी रोम है, तो रोम में तीन चीज़ों का संस्था है, यानी कि तीन चीज़ें जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेडक्वार्टर्स है, जो सारे फूड पे आधारित हैं, जो भी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे फूड पर बेस्ट हैं। तो इनके सारे जो, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में है, इसकी करेंसी क्या, यूरो है। ग्रीस की बात करते हैं, ग्रीस यानी कि एथेंस की राजधानी है, और करेंसी की मुद्रा है आपका यूरो। इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ये आसान है, सब जानते होंगे। और करेंसी है आपका पाउंड स्टर्लिंग, आप इसे याद कर सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग इसकी इंग्लैंड की क्या है, करेंसी है। बात करते हैं वेल्स की, वेल्स की हम लोग बात करते हैं, तो वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, कार्डिफ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। बात करते हैं करेंसी की, पाउंड स्टर्लिंग। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, इसकी एडिनबर्ग इसकी राजधानी है, करेंसी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नॉर्दर्न आइलैंड की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है बेलफास्ट, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक, पाउंड स्टर्लिंग। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, इसकी राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड और बर्न में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर हैं संस्थाओं के, करेंसी है स्विस फ्रैंक, आसान है स्विस फ्रैंक। माल्टा की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है वलेट्टा, माल्टा की बात करते हैं, इसकी राजधानी है वलेट्टा और करेंसी है यूरो, यूरो, ठीक है। सभी देशों के, तो ये रहे आपका सभी देशों के राजधानी और मुद्राएं जो मैप की सहायता से बताए गए गए हैं। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप मैप की सहायता से आप इसे याद कर सकें। अगर आप दो तीन बार इस वीडियोज़ को देख लेते हैं, इन दो वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 90 से 98% कवर कर लेंगे, दो तीन बार अगर देख लेते हैं वीडियो को। तो क्योंकि मैप की सहायता अगर याद, क्योंकि अगर हम मैप की सहायता से याद करते हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन में कितने सारे कंट्री आते हैं। सवाल ये भी आता है कि ये आपका, ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये आपका है ग्रेट ब्रिटेन, तो कितने सारे कंट्री आते हैं। आयरलैंड है, आयरलैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया, ये आपका उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, और ये है आयरलैंड। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड है, उसके बाद ये है आपका वेल्स, और ये है आपका इंग्लैंड, ठीक, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है, और यहाँ पे आयरलैंड है, और ये कौन सा है, ये नॉर्दिक आयरलैंड है, यानी उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। और ये है आपका पुर्तगाल, स्पेन, उसके बाद फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, पोलैंड, इटली, तो ये सारे कंट्री हैं, आप देख सकते हैं मैप की सहायता से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सबसे पहली बात तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका एंजॉय किया होगा। अगर आप इसे दो तीन बार रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्री हैं, लेकिन सभी को याद नहीं करने हैं, बस आप लोगों को दो तीन बार देख लेना है, एग्ज़ाम टाइम में आप आसानी से टिक कर लेंगे। क्योंकि अगर चीज़ें आप लोगों ने एक बार पढ़ी रहेंगी ना, तो बाद में चल के एग्ज़ाम टाइम में आपका क्लिक दिमाग में करेगा और आप टिक करके चले आएंगे,
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।